सिद्धार्थनगर जिले में विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार 72 घंटों से धरना प्रदर्शन जारी है और यह धरना प्रदर्शन मुख्यालय के नौगढ़ विद्युत उपकेंद्र पर चल रहा है, जिसमें मौजूद कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों समेत भारी संख्या में मौजूद रहे और सभी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं मौके पर मौजूद राज्य विद्युत संगठन के जिला अध्यक्ष यदुवेश राय से जब प्रदर्शन कर रहे कर्मियों पर शासन से कार्रवाई किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए शासन व प्रबंधन की ओर से दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और 72 घंटों से उनका यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है और वह डरने या झुकने वाले नहीं है और अगर किसी भी कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो वह सभी कर्मियों के साथ जेल भरो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम यादवेश राय है, मैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जनपद अध्यक्ष हूँ। सिद्धार्थ, आप लोग का लगातार धरना जारी है लेकिन सरकार भी आप लोगों के खिलाफ इस समय कार्रवाई करने लगी, इसके लिए क्या? देखिए, किसी भी आंदोलन को सफल होने से पहले उसे दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है जो शासन और प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको आगाह करता हूं कि हम लोग का ये 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है दिनांक 16 तारीख रात 10 बजे से। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग सरकार की किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। आगे क्या रणनीति है आप लोग? आगे की रणनीति है, अगर हमारे किसी भी साथी का शोषण होगा या किसी को जबरन उठाया जाएगा पुलिस प्रशासन द्वारा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं।